वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति। कभी रहे तो इसका मतलब ये कि डीएनए तो आपके अंदर पहले से ही था कवि बनने का, लेकिन कभी आपने इसे परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए एज ए करियर आपने कभी नहीं सोचा? मेरे को लगता था कि कवि बनने से बहुत बेकार जिंदगी है, ये मुफलिसी की जिंदगी है, इसको कभी जॉब नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि इसके बिना जीवन भी नहीं है? नहीं, मतलब अंदर से खालीपन तो लगता था, वो शायद ब्लड के डीएनए में रहा होगा। और आपको ये भी था ना कि आपको लोगों को खूबसूरत बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये जो आपका जो जीव था, वो फीलिंग ही अलग होती है जब आप किसी को खूबसूरत बनाते हो और आप जब उसको निहारते हो। तो ईश्वर भी जब अपन को देखता होगा ना, बहुत खुश होता होगा कि कुछ बड़ी अच्छी कृति बना दी है कोई, सेम वैसी फीलिंग आती है एकदम से देख करके। सो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो इस इंडस्ट्री को लेकर के? मुझे लग रहा है परिवर्तन की लहर तो चालू हो चुकी है, रिस्पेक्ट बढ़ने लगी है। एक ब्यूटी पार्लर वाली को आज मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है। आप मुझे किसी से कोई डर नहीं था कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, मुझे अपने आप पे इतना भरोसा था कि मुझे मालूम है कि अगर मैं जूता भी पॉलिश करूंगा तो कमाल पॉलिश करूंगा। मतलब अपने काम पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस था? उस पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मुझे लगा कि नहीं, देखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें क्या है। मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला। भूमियो आखिरी अंत में अपने बच्चे लोग को अपने गांव से सुकुल देहां से 3 किलोमीटर बांकल स्टेशन पड़ता है डोंगागढ़ रोड में। तो 3 मई की बात है, मैं इसको मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे बच्चे लोग को मैं देख नहीं पा रही थी भूख के कारण। मेरे को लगा कि अब मैं अपने बच्चे को खुद ट्रेन में डालूंगी और मैं खुद मर जाऊंगी। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। ऑपरेशन थिएटर से एक कनेक्शन बाहर एक टीवी पे लिया और लोगों को उस टीवी पे जितने भी अटेंडेंट या उस हॉस्पिटल में एडमिटेड जितने भी रिलेटिव्स पेशेंट के रहते थे उन सबको बोल दिया कि भाई आप आके यहाँ पर सर्जरी देख सकते हैं। सो आई वाज ट्राइंग टू डेवलप अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रिलेटिव्स। ऑल्दो इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस दिन से आप आए, आपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक मानव सेवा के जज्बे के साथ आपने काम किया। लेकिन डॉक्टर्स के 2 रूप देखने को मिलते हैं अक्सर, मार्स में, मंगल में जाकर के जीवन ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जीवन में रहते हुए मंगल जी, पाए? जी जी जी, मैं कई जगह इस बात का उल्लेख किया है। कोई शायर कहता है कि इस तरक्की के जमाने में क्या नहीं हो रहा है, क्या आदमी भी इंसान हो रहा है। वाह वाह। और जिस कला से आप जुड़े हैं, कास्ट कला जिसको कहते हैं, कि लकड़ी पर अपनी कल्पना को उकेरना, लेकिन ये विचार कैसे आया आपको कि आपको एक क्लासेस ना खोल के स्टूडेंट्स को ना सिखा के जेल में जाके सिखाना है? परेशान लोग जेल में, क्योंकि देखिए हर एक केस तो हिट एंड रन जैसा होता है कि थोड़ी देर के लिए आदमी गुस्सा हुआ और उसने कोई क्राइम कर दिया, वो जेल आ गया। ठीक है, नक्सलियों का ऐसा है कि किसी ने प्रोजेक्ट किया उसको। बड़ी बड़ी जगह आपने काम किया है, इतने पेशेंट्स को आपने, आई थिंक 13 या 14 ईयर्स आपको हो गए हैं इसमें, और सरायपाली से छोटी सी जगह से एक बच्चे ने शुरुआत की और आज जर्मनी से वो अपना पोस्ट ग्रेड करके यहाँ पहुँचे हैं। सो कैसा रहा ये सफ़र आपका? डोंट हैव एनी फैन? नथिंग 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 नथिंग, नो फैन नो कूलर, सो आई कैन अफोर्ड ईदर फैन और कूलर। हमने वही लोकल मार्केट से हम गए तो जो सबसे सस्ता कूलर था वो कुछ 2,500-2,500 रुपए का सबसे सस्ता कूलर था। तो जब वो कूलर चलता था तो पूरा रूम बचता था। तो कूलर चला के आप रह नहीं सकते वहां पे। क्या आपको लगता है कि बेसिक जो जरूरत है वो ये है कि एक महिला या एक जो लेडी है वो अपने आप को सबसे पहले समझे? क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं। जब कोई स्त्री आईने में अपने आप को देख रही होती है तो दरअसल वो एक पुरुष की आंख से अपने आप को देख रही होती है। फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अचानक आप आ गए। थिएटर करते करते आपने वो तो शौकिया किया क्योंकि उस वक्त आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन ये जो कथा वाचन और इनकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने अपने जीवन के अनुभव को लोगों से साझा करना शुरू किया, इसकी शुरुआत ऐसे हुई? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई लिखता है, वो हनुमान जी। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो गई,
एक यूक्रेन का आदमी रायपुर एयरपोर्ट में मेरे से सपड़ गया, बोले आप छत्तीसगढ़ के हैं, झकास हैं, हम गरीब लोग, रूस हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कोई ट्रिक बताइए। मैंने कहा देखो, हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचना चाहिए। बोले इससे क्या होगा, हम बोले इससे रूसी मरते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ का आदमी एकदम झकास है और इसीलिए अनस्क्रिप्टेड जिंदगी बहुत झकास है। आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।